ठीक। और लास्ट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो आज हमने ये भी कर लिया, पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल, अभी भी किया था, तो ये वाला प्रूफ भी क्लियर है, क्योंकि पार्टिकल में के ऊपर फोर्स हमेशा कहाँ लगेगी, टुवर्ड्स सेंटर। कितनी लगेगी, बी क्यू वी साइन 90। साइन 90 क्या होता है, 1। बी क्यू वी ये क्या प्रोवाइड करेगी पार्टिकल को, सेंट्रिपिटल। सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाई आर, तो बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एक वी से वी कैंसल, तो यहां से आर की वैल्यू आ गई एम वी बाई बी क्यू। बॉक्स में डाल लो, आर इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू। तो इतने रेडियस में पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, कोई डाउट इसमें? ये रेडियस आ गया। नेक्स्ट, पार्टिकल क्योंकि सर्कल में है, तो सर्कल में एक और वेलोसिटी रोल प्ले करती है, और वो क्या है, एंगुलर ओमेगा। तो याद है सर्कुलर मोशन में v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, ध्यान आ गए, आर की जगह एम वी बाई बी क्यू, वी से वी कैंसल, तो बी क्यू बाई एम, तो क्या आ गया ओमेगा। तो ओमेगा क्या होता है, 2π इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा डिवाइडेड बाय 2π। ओमेगा की वैल्यू बी क्यू बाई 2m पुट कर दिया, क्या आ गई फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है, 1 बाई फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का मतलब एक चक्कर कितनी देर में पूरा हुआ, रेसिप्रोकल लिया, बॉक्स में डालो, 2π m बाई बी क्यू। तो ये फॉर्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों न्यूमेरिकल में बहुत काम आते हैं। तो जो शीट नंबर 63 है, उसका केस नंबर 1 ये प्रूफ हमने कर लिया पैराबोला, केस नंबर 2 ये प्रूफ हमने कर लिया ये सर्कल में क्यों घूमता है, और सर्कल में घूमते हुए रेडियस एम वी बाई बी क्यू एंड टाइम पीरियड 2π m बाई बी क्यू, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। और जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो इन शीट से ही आपको बुकलेट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुकलेट के जो फॉर्मूलाज हैं वो इसमें नोट होते जा रहे हैं, आप यहीं से फॉर्मूलाज रिवाइज करके अपने ऑब्जेक्टिव पे सीधा जंप कर सकते हो, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ये शीट्स और बुकलेट का कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है, क्लियर है? संडे को टेस्ट नहीं है, पुराना काम जो पेंडिंग खत्म करना है कर लो, जो रिवाइज कर रहे हैं वो रिवाइज करो, ब्रेक लेनी है ब्रेक लो, जो करना है करो, लेकिन अगले हफ्ते से एकदम टाइट हो जाओ, क्योंकि ये चैप्टर दमदार चैप्टर है।